अस्सलाम वालेकुम। तर्क और ऑर्गेनिक खेती उस्ताद मोहतरम आसिफ शरीफ और इम्तियाज़ हुसैन पंजोता की काविशों से। सर मैंने ये कर्पास लगाई थी अगले साल, उससे मैंने 38 मन निकाला है और इस साल मैंने इसको प्रोनिंग करके छोड़ा हुआ, तो ये दूसरी मर्तबा फ्रूटिंग पे। माशाल्लाह इसकी शाइन देखें और ग्रोथ देखें। और ये मेरा एक एकड़ का रकबा है जिसको किसी किस्म का खाद नहीं दिया है और किसी किस्म की केमिकल की इसको स्प्रे नहीं हुई है। माशाल्लाह देखें इसको, ये सर आपकी काविशें और इसके ऊपर मैंने मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस मेहनत का फल मिला। ये देखें माशाल्लाह, एक एकड़ का रकबा है और एक जैसा है। इसको किसी किस्म की दवाई नहीं लगी, ना कोई जड़ी बूटी के लिए मैंने दवाई इसको स्प्रे की है, ना ही कोई मर्स के लिए। और इसमें अभी जो इन्हें टेंडे लगे हुए हैं, ये देखें, आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, अप्रैल का महीना। सर ये देखें माशाल्लाह इसकी रंगत, इसमें जो डेढ़ियाँ लगी हुई है वो ये देखें इसकी जो किसी किस्म की इसको स्प्रे नहीं हुई है सर। और ये इसकी डेढ़ियाँ, ये दूसरे साल में सर जा रहे, इसको मैंने प्रोनिंग करके छोड़ा हुआ है। ये देखें कि जड़ नीचे से, और ये इसका घास फूस वगैरह, ये मैंने इसको ना कुछ किसी किस्म की ना खाद है ना दवाई है। देखें माशाल्लाह एक एकड़ का रकबा है, मुकम्मल एक जैसा है। ये मैंने पिकनिक पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये दूसरे साल में जा रहा है इंशाल्लाह। मैंने इरादा किया हुआ है ताकि इसको 4-5 साल तक ले चलूं। सिर्फ एक एकड़ का मेरा रकबा है, इससे अगले साल 38 में निकला है और ये दूसरे साल में भी जा रहा है। तो उसकी जो टेंडे लगे हुए हैं वो भी समझो कि पहले जैसे ही साइज में, इससे कोई इसकी छोटी साइज नहीं है। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह, इसमें काफ़ी सारे टिंडे लगे हुए हैं, बाकी समझो के फूल ही फूल है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। सुलेमान बलोच, जिला रसबेला, तहसील उत्कल।